हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, पिछले व्लॉग में आपने देखा था, ट्रिप के व्लॉग में, कि हम लोग वाटर स्पोर्ट करने गए थे और हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग वगैरह की थी। तो उसके बाद ही उसी दिन का ये व्लॉग है। पैसे घेऊचो ती आता जितून नेली ती रे जितू माय दा जितू किच पाच जण घर आले आले आया यार बाकी दोन राईट करून घ्या। अद्विक इकडे तुम्ही कसा लावलेला आहे म्हणून छोटे छोटे कल्याणी तुझं जे छोटा आहे ना ते याला दे अद्विकला। हो ना यार, हा मी आहे ना, टेंशन नको। आपण दोघच जायचं कशामुळे काय झालं आला डेंजर झालं ते गाडी। अरे आपण इथेच बसायचंय, मला इथेच बसायचंय, मला इथेच बसायचंय।
सारा वाटर स्पोर्ट हमारा एक ही दिन में था, तो यहाँ पर हमने बम्पर राइड्स और वो जेटी और क्या क्या था वो सारा कुछ यहाँ पर किया। सुबह से पूरा दिन हमारा वाटर स्पोर्ट ही था आज। तो यहाँ पर आ गए हम लोग पैरासीलिंग के लिए। तो पैरासीलिंग यहाँ से होगा, मतलब यहाँ पर एक बोट होती है, बोट टाइप का होता है, और यहाँ से पैरासीलिंग मतलब ऊपर जाते हैं हम लोग, तो उसे पैरासीलिंग बोलते हैं। आप आगे देख ही लेना। और हाँ, किसी ने इसका रेट पूछा था, तो एक एक के रेट तो मुझे नहीं पता, बट हम लोगों ने पैकेज लिए थे, तो पूरा वाटर स्पोर्ट का पैकेज ही था हमारा। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल गया था यहाँ पर, 2000 में ही, मतलब 1% 2000 रुपीज़, तो ऐसे पूरा पैकेज मिला था। कुछ लोगों ने स्कूबा डाइविंग नहीं किया था तो उनका हमें रिटर्न मिल गया था, और कुछ लोगों ने किया था, मतलब जो अंदर गए, मतलब जैसे कि वो जो जैकेट वगैरह है वो पहन के अंदर गए, तो उनका रिटर्न नहीं मिलता है। जो पहले से ही नहीं गए एकदम, मतलब उन्होंने जैकेट नहीं पहना, कुछ भी अंदर उतरे ही नहीं, तो उनका हमें रिफंड मिल गया था। अपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया है कि स्कूबा डाइविंग में हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए, और वहाँ पर ना आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिल जाते हैं अंदर के, समुंदर के अंदर के, तो वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब आपके पैकेज में। तो अभी होगा पैरासीलिंग, तो आप आगे पैरासीलिंग देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और हमने तो मज़े किए ही। Thank you.
बस वॉटर स्पोर्ट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। आज वैसे आप कहीं जाते हो ना तो वाटर स्पोर्ट ज़रूर करना, मतलब जो भी हम लोगों ने किया बहुत ज़्यादा मज़े किए। आज का जो डे था पूरा मज़े में ही गया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने आज। और बस यहाँ पर वाटर स्पोर्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोग आ गए थे होटल में। ये वाले बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा खाना मिला था यहाँ पे, मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम लोगों ने जितने भी दिन खाया उससे बहुत बढ़िया टेस्ट थी यहाँ की। बट खाना गया नहीं यार, मतलब इतनी भूख लगी थी। बट क्या हुआ था कि हम लोगों ने खाना जब खाने बैठे ना तो इतना ज़्यादा वो मन नहीं कर रहा था खाने का, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था यहाँ का और सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। तो इसी वजह से आप अगर यहाँ आते हो तो मैं लास्ट में आपको होटल का नाम दिखा दूँगी, आप ज़रूर विज़िट कर सकते हो यहाँ। और ये सब कुछ हम लोगों ने ऑर्डर किया था, वेजिटेरियन यहाँ पर बैठे थे और नॉन वेजिटेरियन हम लोग ही थे। और वाटर स्पोर्ट्स करके थोड़ा सा थक भी गए थे हम लोग, क्योंकि सुबह से हमारा वाटर स्पोर्ट्स ही चल रहा था तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट भी लग रही थी। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना खा लेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। और हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, ये जो होटल है वो आपको मिलेगा मालवन टू कोल्हापुर हाईवे पे, तो वहाँ पर आपको ये होटल मिलेगा और इसका नाम है सैफ्रॉन होटल। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट है, बहुत अच्छी सर्विस है, आप एक बार ज़रूर विज़िट करना अगर आप इस हाईवे पर जाते हो तो। और हाँ, यहाँ पर हमारी ऑर्डर दे दी थी हम लोगों ने नॉन वेजिटेरियन वालों ने, तो वो ऑर्डर आने वाली थी, मतलब टाइम था उसे, तो इसी वजह से हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पर वेजिटेरियन वालों की मतलब वेज ऑर्डर जो थी वो आ गई थी, तो ये लोग खाना खाने भी लग गए थे। हम लोगों ने वेट किया, फिर उसके बाद हम लोगों को उसमें टाइम चला गया, हम लोगों ने वेट किया, फिर उसके बाद हमारी ऑर्डर आई। और यहाँ पर अद्विक थोड़ा सा रो रहा था, मतलब उसको क्या हुआ था कि हम लोगों ने नींद से उठाया था इस वजह से रो रहा था, तो वो उसका मन नहीं था बाहर निकलने का और कुछ खाने का। बट मैं उसे समझा रही थी कि थोड़ा सा खा लो करके, मतलब कहीं पर भी उसने खाना नहीं खाया था और यहाँ पर और मिलता या नहीं मिलता वो नहीं पता। और गाड़ी हम लोग फिर रुकाते नहीं, तो इसी वजह से उसको बोला था कि यहाँ पर खाना खा लो आप, थोड़ा सा खा लो उसके बाद सो जाना, तो उसका मन था सोने का इसी वजह से वो वैसे कर रहा था। और यहाँ पर हमारी ऑर्डर आ गई है और वो हम लोगों ने फिश खाई थी, उसके काटे थे। और यहाँ पर ये चिकन है और बटर नान है, बस यही हमारा ऑर्डर था, जीरा राइस था और बाद में हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा लेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। तो बस कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना, और हम लोगों ने जैसे एंजॉय किया आपने एंजॉय किया कि नहीं देख के ये भी कमेंट करके बताना। बहुत ज़्यादा यम्मी खाना था यार, बहुत टेस्टी लगा था मुझे यहाँ का चिकन। और कोकन में हमारा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ, मतलब हम लोग घूमे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब नज़ारा तो देखने ही लायक है, नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। जैसे कि पूरा जो आप घूमते हो ना कोकण, तो कोकण का नज़ारा तो आपने देख ही लिया, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट सिर्फ ना खाने का प्रॉब्लम हुआ हमारा, मतलब विदर्भ साइड में ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है कि हमें जिस खाने की आदत है वैसा खाना हमें वहाँ पर नहीं मिला। थोड़ा सा होता ही है, अलग अलग साइड का अलग अलग खाना होता है, हो सकता है कोकण वाले हमारे यहाँ पे आए तो उनको वो खाना अच्छा ना लगे, हम लोग मतलब साउथ वगैरह साइड में जाए तो हमें वो खाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो होता ही है सबके साइड में। बट बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो एक बार ज़रूर कोकण में विज़िट करना, आपने अगर नहीं देखा है कोकण तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप लोग। और ये सैफ्रॉन होटल मैं दिखा रही हूँ आपको, ये यहाँ पर भी विज़िट करना अगर आप इस रास्ते से जाते हो, इस हाईवे से जाते हो मालवन टू कोल्हापुर हाईवे से, तो यहाँ पर ही आपको होटल मिलेगा। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ब्लॉग को और आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा उसको ऑल पे क्लिक करना ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। तो चलिए फिर, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। और मेरे दो चैनल है और मराठी चैनल और एक रिव्यू चैनल, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।